अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोवॉल। इससे पहले जो लेक्चर में हमने पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि उसमें सर्वाइवलशिप कर्व हमने डिस्कस किया था, तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ कर्व। तो ये जो ग्रोथ कर्व है ये पॉपुलेशन के इंक्रीजिंग नेचर को जो है डिस्कस करते हैं। इसमें इसके जो बताते हैं हमारे हमें ये बताता है कि जो कोई भी पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ हो रहा हो तो वो किस नेचर से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, किस तरह से वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, क्राइटेरियाज क्या है, और वो किस रेट से बढ़ रहे हैं और कितना बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ कर्व है आपको सिलेबस में ही दिया गया है, जो ग्रोथ कर्व अलग से, तो एक्चुअली हम इसको पॉपुलेशन ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व है इसको हम टू नेचर्स में डिस्कस करते हैं, टू टाइप्स है इसका। एक होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा होते लॉगिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। अब हम जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है पॉपुलेशन ग्रोथ का, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, इसमें डिफरेंस बिटवीन के तौर पर हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ कर्व का जो टाइप से पहले है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको हम लिखेंगे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा हो गया लॉगिस्टिक ग्रोथ, LOGISTIC, लॉगिस्टिक ग्रोथ। तो जो ये दोनों है ग्रोथ इंक्रीजिंग या पॉपुलेशन इंक्रीजिंग नेचर है, टू नेचर्स में ये इंक्रीज होते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के, किसी स्पीशीज के जो पॉपुलेशन है, किसी ऑर्गेनिज्म के जो पॉपुलेशन है, वो इन दो चीज़ों से, ऐसे इन दो वेव से जो है इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम उस ग्रोथ को कहा जाता है जिसमें एक आइडियल कंडीशन में किसी भी स्पीशीज का कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, मीन्स एक आइडियल कंडीशन में। इसका मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल हम किसी ऑर्गेनिज्म का लेते हैं, डियर का लेते हैं, तो उसको ग्रास फील्ड में या किसी फॉरेस्ट में या किसी ऐसे हैबिटेट में जहाँ पे उसको कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, एक आइडियल कंडीशन हो, मींस ना कोई एनवायरमेंटल कंडीशन हो वहाँ पे, कोई रेजिस्टेंस ना हो, गुड लिमिटेड ऑफ फूड हो, ठीक है, मींस फूड का कोई लिमिट ना हो, बहुत सारे उसको स्पेस अवेलेबल हो, बहुत सारे फूड अवेलेबल हो, और मेटिंग जो पार्टनर्स है वो अवेलेबल हो, तो इस कंडीशन को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। इस कंडीशन में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ कंडीशन ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के थ्रू हम आपको अच्छे से समझाएंगे, फिर इसके बारे में हम थोड़ा लिखेंगे भी, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एंड द ग्रोथ ऑफ एनी पॉपुलेशन इन एन आइडियल या अनलिमिटेड एनवायरमेंट, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन एन अनलिमिटेड, इसको हम आइडियल भी कहते हैं, कंडीशन या एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें अगर उस ऑर्गेनिजम्स को, उस स्पीशीज को कोई भी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। एक हो गया जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, एक को हम टाइम लिखेंगे एक साइड को, क्योंकि ये टाइम डिनोट करेंगे कितने टाइम में बढ़ रहे और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है,
मीन्स ये पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है उस टाइम में, ठीक है। तो इस ग्राफ के थ्रू हमें पता चलता है कि जो इनिशियल स्टेज पे इसका जो ग्रोथ बढ़ रहा है वो थोड़ा कम बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, फिर अचानक वो इंक्रीज होते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीजिंग और उसको कम होने की कोई बिल्कुल नाम नहीं लिखा, क्योंकि इसको लिमिटेड सॉरी अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड उसको कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंटल कोई कंडीशन नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और मेटिंग पार्टनर्स के लिए उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, और उनको प्रेडिटर नहीं है। सबसे बड़ी बात है प्रेडिटर जो इनको खा जाता है, ठीक है, जिनका ये प्रे बनते हैं, तो उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन जो बढ़ता है वो कुछ इस ग्राफ के हिसाब से बढ़ रहे, ठीक है। उसका हमें ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हैं। तो ये हो गया जे शेप ग्राफ, ये हो गया जे शेप, ठीक है, ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो मेन, ठीक है, मेन जो क्राइटेरिया है जिस पे ये डिपेंडेंट है वो है अनलिमिटेड या आइडियल कंडीशन, ठीक है। तो उसमें उसको कोई भी कमी या रेजिस्टेंस नहीं होते है। तो उस हिसाब से इसका जो ग्रोथ बढ़ रहा है, इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। उस रेट को कहते हैं इंट्रेंसिक ग्रोथ ऑफ इंक्रीज। तो इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अंडर एन आइडियल कंडीशन है, ये किस में है, अंडर एन आइडियल मींस कोई भी रिजेक्शन ना हो, बिना रुकावट के, ठीक है, आइडियल या अनलिमिटेड अनलिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशन या एनवायरमेंट है, अनलिमिटेड एनवायरमेंट मींस या उसमें स्पेस आ गया, फूड आ गया, वो सब आ गया, ठीक है, अनलिमिटेड कंडीशन है उसमें। तो ये जो रेट इंक्रीज हो रहे पर कैपिटा CAPITA, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज इज मैक्सिमम, ये बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। मींस देखो इसमें हमने क्या लिखा, ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है अनलिमिटेड है, तो उसी में उस पॉपुलेशन की इंडिविजुअल्स का पर कैपिटा रेट जो है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन एनी पॉपुलेशन इज मैक्सिमम, वो हमेशा मैक्सिमम रहते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम होते हैं। और इसमें कोई कैरिंग कैपेसिटी पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहते, वो हम दूसरे लॉजिस्टिक में आपको समझ आएगा कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, सॉरी किसी एनवायरमेंट का, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि उस रेट, एक स्पेसिफिक रेट से ये इंक्रीज होते जाते हैं पर कैपिटा इंडिविजुअल्स इन लिमिटेड टाइम में, ठीक है, एक खास टाइम में इतना इंक्रीज होते जाते हैं। तो उस रेट को हम कहते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, कॉल्ड एस इंट्रेंसिक INTRINSIC, इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, इसको कहते हैं हम इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज सिर्फ एक चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, मींस निर्भर करते हैं कि उसका जो बायोटिक पोटेंशियल कितना है, मींस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको डिनेयर करेंगे किसी रेट से, रेट स्पीशीज से, ठीक है, इस पे नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम रेट स्पीशीज से, जो रेट है, तो वो रेट किस में है, ग्रास फील्ड में है, एक ग्रास फील्ड में है, ठीक है। उस रेट पॉपुलेशन के लिए ग्रास फील्ड में कोई कीट या वहां पे कोई प्रेडेटर नहीं है, और वहां पे बहुत सारे क्रॉप है, उसको खाना है, स्पेस है, और मेटिंग पार्टनर्स है, फीमेल रेट मेल रेट दोनों है वहां पे। तो इस हिसाब से उसका जो रेट बढ़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज उसका जो चूहों का पॉपुलेशन बढ़ेगा वो मैक्सिमम होगा। उस रेट को हम कहते हैं रेट ऑफ इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज कहते हैं, ठीक है।
तो इसको हम अच्छे से लिखेंगे। अभी तक जो आपने ये लिखा ये आप नोट करना होगा। तो ग्राफ कुछ हमें इस तरह से बन रहे हैं, ये फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ छोटा करके क्योंकि जो हम लिखेंगे उसको जगह नहीं हो रहे। ये जे शेप्ड ग्राफ बनेंगे हमें। ये हो गया टाइम, हो गया ये, हो गया एन या नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो जे शेप है, रेट ऑफ इंक्रीज, जे शेप ग्राफ हमें बन रहे हैं। तो ये रेट ऑफ इंक्रीज इंटेंसिटी रेट जो है डिपेंड करते हैं किस पे, बायोटिक पोटेंशियल पे। बायोटिक, BIOTIC, बायोटिक पोटेंशियल, या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, या इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी आपको चूहों का या माइस का रेड का जो है एग्जाम्पल दिया। एक क्रॉप फील्ड है, इसमें 1000 या 100 हमें रेड है, ठीक है, चूहे हैं। तो 100 चूहा 6 मंथ इसका टाइम है, हम 6 मंथ में कितना बढ़ रहे, या फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ देखो, ठीक है, सॉरी ये मेमल है, इसको टाइम लगता है, तो 1 ईयर ले लो। ठीक है, 1 साल में उस क्रॉप फील्ड में कितना बढ़ रहे, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी पे ये डिपेंडेंट नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी उस एनवायरमेंट का कैपेसिटी जितना ये रेजिस्ट कर सकते हैं, जितना पॉपुलेशन को ये बढ़ा सकते हैं, वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है इसमें। तो इसमें जो मेन डिपेंडेंट है वो है बायोटिक पोटेंशियल पे, मीन्स रेट जो मेल भी है और रेट फीमेल भी है, यहाँ पे इसका एबिलिटी कितना है कि ये कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोटिकली कितना पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इनमें कितना है, मींस फर्टिलिटी रेट कितना है, ठीक है। जब ये मेटिंग करते हैं तो मेटिंग करने के बाद कितना अमाउंट में या कितना पोटेंशियल है कि उसमें से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, ठीक है, या बच्चे कितना पैदा कर सकते हैं, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ये इस पर ही डिपेंड करते हैं, बाकी इसको स्पेस की कोई कमी नहीं है, फूड की कोई कमी नहीं है, मेटिंग पार्टनर की कोई कमी नहीं है, मेटिंग पार्टनर। इन मेन तीन जो क्रिटेरिया है, इन क्रिटेरिया का इसको कोई टेंशन नहीं है, तो ये अनलिमिटेड या आइडियल कंडीशन बन गया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमें किसी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट पता करते हैं या पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि जब वो पॉपुलेशन या उस स्पीशीज, स्पेसिफिक स्पीशीज का पॉपुलेशन किसी एनवायरमेंट में, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में या किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना इंक्रीज हो रहे है, जब उसको कोई भी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, उस पॉपुलेशन ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें जो मेन डिपेंडेंट करते हैं, मेनली डिपेंड अपॉन बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, उस रेट ऑफ इंक्रीज को हम कहते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, जो हमने पहले लिखा रेट ऑफ इंक्रीज को इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो इसका जो इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, हम जब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इनिशियल स्टेज पे कम बढ़ रहे, ठीक है, जब इसका मेटिंग अच्छे से हो रहा हो, या मेटिंग जब कम्प्लीटली मेटिंग होने के बाद पहले स्टेज में इन्होंने 100,000 जो 100 स्पीशीज है इसने 150 बनाया, थोड़ा बढ़ गया, इसके बाद 150 से 200 हो गया और बढ़ गया 200 से 400, फिर लास्ट में 1000 तक बढ़ रहे। यहाँ पे है 1000 स्पीशीज बढ़ रहे, सॉरी 1000 इंडिविजुअल्स बढ़ रहे। तो जे शेप्ड हमें एक ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है डी एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, डी टाइम, डी टी हो गया चेंजिंग टाइम या टाइम लिमिटेड टाइम में, इक्वल टू आर इंटू एन। आर हो गया इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, आर इंटू एन, एन हो गया नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना बढ़ा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एन अपॉन डी टी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे पास पहले से है, ठीक है, डी एन अपॉन डी टी जो हमारा टाइम है, कितने टाइम में, 1 ईयर में है, 1 अपॉन n इक्वल टू आर। तो हमें जब उसका इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज या उसका रेट पता करना है, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करके हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसका आपको नोट्स में अच्छे से
पता चल जाएगा, इसका हम नोट्स भी दे देंगे आपको। तो जो ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्राफ में क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्राफ में हमें दिख रहा है कि जहां पे रिसोर्स लिमिटेड है, ऑल मेंबर ऑफ स्पीशीज जो है एबिलिटी टू ग्रो पोटेंशियली, मींस उसको पोटेंशियल रखते कि वो हर स्पीशीज जो है बढ़ रहे, पॉपुलेशन साइज जो है इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, मींस बढ़ते जा रहे एट ए कॉन्स्टेंट रेट, किसी खास रेट पर ये बढ़ रहा है। सो रिजल्ट जो हमें जे शेप्ड कर्व वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में हम लिखेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन ए रिसोर्स, व्हेन या व्हेन रिसोर्स, रिसोर्स में हमें फूड और शेल्टर, फूड या शेल्टर, SHELTER, ठीक है, फूड और शेल्टर, ठीक है। व्हेन अ रिसोर्स इन ए हैबिटेट, किसी खास हैबिटेट में आर अनलिमिटेड, वो क्या है, हमें ग्राफ में ये पता चल रहा है कि उसमें जो रिसोर्स है और उस हैबिटेट में रिसोर्स है, फूड और शेल्टर है, वो अनलिमिटेड है, इसीलिए ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज, उस स्पीशीज का जो तमाम मेंबर्स है, जितने भी वहां पे इंडिविजुअल्स है, हैव एन एबिलिटी, हैव ए एबिलिटी, हमें ग्राफ से ही पता चल रहा है, हैव ए एबिलिटी टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, ग्रो एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली। अगर इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स स्टराइल होता, फर्टाइल नहीं होता, तो इसका ग्रोथ जो है इतना इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है तमाम फर्टाइल है, बायोटिक पोटेंशियल इसमें है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इसमें है, ठीक है, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्टाइल है, इसीलिए इसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है। सो द पॉपुलेशन साइज इंक्रीज पोटेंशियली एट कॉन्स्टेंट रेट, ये कॉन्स्टेंट रेट पर बढ़ रहे हैं। सो द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजिंग, CREASING, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली, TIALLY, एट कॉन्स्टेंट रेट, ये बराबर रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो है एक कॉन्स्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, तो हमें जो ग्राफ दे रहा है, रिजल्ट इन जे शेप्ड कर्व, ठीक है, जिसमें अब ग्राफ की बात करें तो व्हेन पॉपुलेशन साइज एन से डिनोट करते हैं, इज प्लॉटेड ओवर टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम में, टाइम हम टी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो टाइम हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से बहुत इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा व्हेन रिसोर्स फूड एंड शेल्टर में हैबिटेट आर लिमिटेड, सॉरी अनलिमिटेड, यहाँ पे कोई उसका लिमिट नहीं है, ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीशीज हैव ए एबिलिटी टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, तो इससे ये पता चलता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल्स बढ़ रहा है, किसी खास स्पीशीज का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, वो डिपेंड हो रहा है कि इसका कितना बायोटिक पोटेंशियल है, बाकी इसको कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, सॉरी जरूरत है, उसका रेजिस्टेंस नहीं है, स्पेस में कोई उसको कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, शेल्टर की कमी नहीं है, मेटिंग पार्टनर्स की कोई कमी नहीं है, उन सब रिसोर्स को जिसकी इसको कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, इन सब के बावजूद इसका एक मेन जो है वो है बायोटिक पोटेंशियल, वो ज़्यादा है, बायोटिक पोटेंशियल इसका अच्छा है, इसीलिए ग्रोथ जो है कॉन्स्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहे हैं, जिसको हम इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज कहते हैं, इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इसका हाई है, तब जाके हमें एक जे शेप कर्व बन रहे। अब इसके बाद जो लॉजिस्टिक ग्रोथ हो गया, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के टोटली अलग है, इसमें हमें पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ का, फिर इसके बारे में हम लिखेंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ हो गया ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन ए लिमिटेड, LIMITED, लिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशन है, एनवायरमेंटल
कंडीशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था वो अनलिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशन में था, अब ये जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो लिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशन में है। अब गिवन टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहे हैं उसका हमें, अब जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से दिखते हैं, एस शेप्ड ग्राफ दिखते हैं हमें। ठीक है, ये हो गया, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। एस शेप्ड हमें एक ग्राफ दिखते हैं कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब एक चीज आपको समझना है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें उन पॉपुलेशन के लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, रिसोर्स है, वो लिमिटेड है। वो क्या है? लिमिटेड फूड है, लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स है। ठीक है, मींस नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए उसमें कंपटीशन है, या मेल कम है या फीमेल कम है। ठीक है, इन सब होने के बावजूद जो इसका ग्रोथ बढ़ रहा है तो एक खास स्टेज पे जाके वो रुक जाते हैं, उसका ग्रोथ जो है स्पेसिफिक स्टेज पे जाके वो रुक जाते हैं, एक खास स्पेसिफिक जो ऐसा एक स्टेज आ जाते हैं, तो उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इसको कहते हैं CARYING, कैरिंग कैपेसिटी, CAPACITY। देखो, कैरिंग कैपेसिटी हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में नहीं पढ़ने हैं, इसमें आते नहीं है। क्यों? कैरिंग कैपेसिटी उस एनवायरमेंट का होता है जिसमें रिसोर्स जो है लिमिटेड हो। तो किसी खास एनवायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी हो गया कि वो कितना अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, हाउ मच नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स द हैबिटेट कैन रिजिस्ट। ठीक है, कितना वो बढ़ा सकते हैं, किस हद तक वो पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, मीन्स कितने अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को वो खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है हर एनवायरमेंट का डिफरेंट होता है। जिस एनवायरमेंट का कोई कैरिंग कैपेसिटी हम नहीं पढ़ रहे, मीन्स उसमें अनलिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड उसमें स्पेस है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ में, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन ए लिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, इसका हमें एस शेप्ड हमें ग्राफ मिल रहे हैं। वो इसलिए मिल रहे, देखो पहले स्टेज में पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, पहले स्टेज में वो इंक्रीज हो रहे हैं, फिर बीच में जो है कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो कम हो रहे हैं क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच रहे, मीन्स रिसोर्स कम हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेडेटर्स आ रहे हैं इसमें, और इसमें स्पेस की कमी हो रहा है, तो उनमें खुद में इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन भी बढ़ रहे, कंपटीशन भी बढ़ रहे, तब जाके ये जो ग्रोथ रेट है वो एक कॉन्स्टेंट स्टेज से गुजरते हैं, यहाँ पे जाके कॉन्स्टेंट रहते हैं, कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, फिर एक कॉन्स्टेंट रेट से ये बढ़ रहे हैं, ना ज्यादा हो रहे ना कम हो रहे, कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहे, ठीक है, कम हो रहे, पहले के बरअक्स में कम हो रहे, तो इसको हम कहते हैं एस शेप्ड कर्व। ठीक है, ये हो गया हमें एस शेप्ड कर्व, CURV। एस शेप्ड कर्व जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलते हैं कि रिसोर्स पे डिपेंड, कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे द पॉपुलेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ इज इंक्रीजिंग एट इनिशियल स्टेज। ठीक है, द नंबर ऑफ, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, इंडिविजुअल इज इंक्रीजिंग एट इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज एक्सपोनेंशियली तेजी से बढ़ रहे, ठीक है, बट इट बिकम स्लो, व्हेन स्लो कब हो जाते हैं, व्हेन रीच एट ए स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंक्रीज,
स्पेसिफिक रेट ऑफ इंक्रीज पे पहुंचने से ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, कॉल्ड एज केयरिंग कैपेसिटी। उस स्टेज को, उस स्पेसिफिक रेट को हम क्या कह रहे हैं, इसको, इस स्पेसिफिक स्टेज को कैरिंग कैपेसिटी, इसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी को के से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें जो ग्राफ जो मिल रहा है वो हमें एस शेप्ड ग्राफ हमें मिल रहा है, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। सो एस शेप्ड ग्राफ कैन बी प्लॉटेड, यहां पे हमें एस शेप्ड ग्राफ हमें प्लॉट हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो इसमें जो हमें मेन जो रेजिस्टेंस था, मींस मेन जो हमें क्राइटेरिया वो क्या है, वो है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। अगर कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे नहीं होता, अगर यहाँ पे इंक्रीज होते जाते, मींस स्पेस की लिमिटेशन नहीं होता, रिसोर्स की लिमिटेशन नहीं होता, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह बढ़ते जाते, तो तब हम उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। इसीलिए इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा है, क्योंकि इसमें एक कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचने से उस ऑर्गेनिज्म का, उस स्पीशीज का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं, एट विच द पॉपुलेशन इज इंक्रीज विथ कॉन्स्टेंट रेट, कॉन्स्टेंट रेट, टोटल रेट रुक नहीं जाते हैं, बढ़ तो जाते हैं लेकिन कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ जाते हैं, ठीक है, ना ज्यादा तेज बढ़ते हैं ना ज्यादा कम बढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट रेट, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होते हैं, स्पेस की कमी हो जाते हैं, ठीक है, तो इंट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, और रिसोर्स की कमी हो जाते हैं, फूड की कमी हो जाते हैं, इसीलिए उनके बीच में इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, सॉरी कंपटीशन बढ़ जाते हैं स्पेस के लिए, फूड के लिए, मेटिंग पार्टनर्स के लिए। तो इन सब को मिला के हम इसको किसी खास एनवायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। कैरिंग कैपेसिटी वही हो गया, एबिलिटी ऑफ एनी हैबिटेट, ठीक है, बियॉन्ड विच द ऑर्गेनिज्म कांट रिजिस्ट फॉर एनी पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब किसी खास एक लिमिटेड उसका एक रेट होता है, ठीक है, जहाँ पे पहुँचने के बाद उससे ज़्यादा वो किसी पॉपुलेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाते, मीन्स वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को ही रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड फूड वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और लिमिटेड जो है शेल्टर वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इनटू एन, ठीक है, जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी माइनस एन, ये फॉर्मूला है, ये निकलने के, इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ किसी ऑर्गेनिज्म का पता चल जाते हैं, के माइनस एन डिवाइड बाई के, क्या हो गया कैरिंग कैपेसिटी। तो ये जो ग्रोथ का आज हमने डिस्कस किया, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का और लॉजिस्टिक ग्रोथ का, आपको यही याद रखना है। तो इसको जब मेन कंसेप्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में, हमें अनलिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड फूड, शेल्टर, मेटिंग पार्टनर, वो सब कुछ उसमें कोई कमी नहीं है, तब जाके किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी स्पीशीज का, स्पेसिफिक स्पीशीज का इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं, जो हमें ग्राफ प्लॉट करने के बाद जे शेप मिलता है, मींस इंक्रीज इंट्रेंसिक इंक्रीज रेट उसका हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब जो उसके बरक्स, जो उसके अपोजिशन में हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ हम पढ़ते हैं, जिसमें लिमिटेड स्पेस होते हैं, लिमिटेड ग्रोथ, सॉरी लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड फूड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में बढ़ जाते हैं, पहले तो ज़्यादा बढ़ते हैं, फिर एक ख़ास एक स्टेज पे पहुंचने के बाद उसका रेट जो है कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन पे देंगे, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।